सुप्रभात, सभी को मेरा प्रणाम। हम सब जानते हैं कि इस वर्ष हम हमारी मातृभूमि का, हमारी भारत माता का आज़ादी का अमृत महोत्सव पर्व मना रहे हैं। यह पर्व हम सबको उन वीरों के बलिदान की याद दिलाता है जिन्होंने अपने प्राण देश की आज़ादी के आंदोलन में न्योछावर कर दिए थे। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में होने वाली वक्तृत्व स्पर्धाएं, भाषण स्पर्धाएं और साथ में निबंध प्रतियोगिताओं के लिए आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस यह भाषण हिंदी में हम पढ़ने वाले हैं। सभी से नम्र निवेदन है, आज़ादी का अमृत महोत्सव और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस भाषण को लाइक कीजिए और अपना चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। पंद्रह अगस्त स्वतंत्रता दिवस भाषण हिंदी माध्यम में, आज़ादी का अमृत महोत्सव भाषण हिंदी में। सभी को मेरा प्रणाम। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि यह झंडा हमारे लिए कितना मूल्यवान है। इस झंडे को देखकर आज हम आनंदित हो रहे हैं और यह तीन रंगों वाला झंडा हमें बार बार भारतीय होने का गर्व महसूस कराता है। इस झंडे को देखकर हम सब में भारतीय होने का अभिमान रगों में दौड़ता है। उस तिरंगे को मेरा प्रणाम, उस तिरंगे को मेरा प्रणाम। हम सब जानते हैं कि हमारे भारत को स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को मिली। इस दिवस को हम हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस के रूप में बड़े ही हर्षोल्लास से मनाते हैं। यह दिवस पूरे भारतवर्ष को किसी पर्व से कम नहीं है। कवि अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, भारत कोई साधारण जमीन का टुकड़ा नहीं है, भारत कोई साधारण जमीन का टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये तो एक जीता जागता राष्ट्रपुरुष है, बल्कि ये तो एक जीता जागता राष्ट्रपुरुष है। हम जिएंगे इसके लिए, हम मरेंगे इसके लिए, हम जिएंगे इसके लिए, हम मरेंगे इसके लिए। इसका अर्थ यह है कि हम सबके लिए राष्ट्र से बढ़कर कभी भी कुछ नहीं होता। आज़ादी के आंदोलन में कई वीरों ने, क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया है। आज हम सब की यह जिम्मेदारी है कि इतिहास पढ़कर उन्हें समझें। केवल उन वीरों के प्रति प्रेम सद्भावना व्यक्त कर तथा उनके प्रति संवेदना व्यक्त कर रुकना नहीं चाहिए। हमने एक अच्छे भारतीय नागरिक का धर्म भी हम सब ने राष्ट्र के लिए निभाना चाहिए। यह वही सेनानी है जिन्होंने हमें अपनी खुद की पहचान दी, विश्व में एक सम्मान दिया। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, यह देश है हमारा, नेता हम ही कल के, नेता हम ही है कल के। इन पंक्तियों को सत्य में लाने के लिए हम सबको आज़ादी के महत्व को समझना होगा। आज़ादी के अमृत महोत्सवी वर्ष में हमें हमारी जिम्मेदारियां और राष्ट्र के प्रति कर्तव्यों को उजागर करना होगा। हमें तिरंगे की शान को ऊंचाइयों पर लेके जाना होगा। आओ चले आज़ादी के अमृत महोत्सवी पर्व पर इकट्ठा होकर नए भारत का निर्माण करें। उन सेनानियों और तिरंगे को सलाम करके यह निश्चय करें कि भारत की आन बान शान और पहचान यह हमारी है जान, भारत की आन बान शान और पहचान यह हमारी है जान,
भारतीय सेनानियों के को सलामी के साथ, भारतीय सेनानियों को सलामी के साथ इस झंडे को मेरा प्रणाम, इस झंडे को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत। आइए अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में होने वाली भाषण प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता और निबंध प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर अपने भारत के उस इतिहास को जरूर जानिए। धन्यवाद।